गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आज आप इस वीडियो में आसानी से सीख पाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के डिफिनेशन पे कि इम्परेटिव सेंटेंस इन विच सेंटेंस एक्सप्रेस अबाउट ऑर्डर सजेशन रिक्वेस्ट प्रपोजल प्रोहिबिशन ईटीसी अर्थात इन विच सेंटेंस जिस वाक्य में एक्सप्रेस अबाउट ऑर्डर सजेशन रिक्वेस्ट प्रपोजल एंड प्रोविजन के बारे में बताता हो दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश या तो फिर आज्ञा। नेक्स्ट सजेशन, सजेशन का मतलब होता है सुझाव। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। प्रपोजल का मतलब होता है प्रस्ताव। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। तो अर्थात जिस वाक्य में आदेश आज्ञा सुझाव अनुरोध प्रस्ताव निषेध के बारे में बताता हो तो वो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इस वीडियो को देखने से आपको ये फायदा मिलने वाले हैं कि कोई भी सेंटेंस यदि इम्परेटिव में हो तो उसको हम एक सिंपल तरीके से कैसे बना पाएंगे। तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर आते हैं। तो स्ट्रक्चर जैसे कि हमने आपको सेंटेंस में बताए थे कि सेंटेंस कई तरीके के होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WNH, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो होंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये स्ट्रक्चर होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। यदि हमको कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव में बनाना हो तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो होंगे वो इस प्रकार होंगे कि सबसे पहले इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर अदर वर्ड का। यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो हम डायरेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे और अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पे जैसे दरवाजा खोलो एक सिंपल सा सेंटेंसेस है। तो ये सेंटेंसेस जो बना हुआ है तो इम्परेटिव सेंटेंस पे बना हुआ है। दरवाजा खोलो कहने का मतलब है किसी ने आदेश दिया कि दरवाजा खोलो, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे V1 लेंगे। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ पे खोलना का जो पहला रूप हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन। उसके बाद यहाँ पे दरवाजा, तो दरवाजा तो इसके पहले द डोर होगा। तो यहाँ पे द एक आर्टिकल है और द लगाने का मतलब यहाँ पे ये है कि द लगाने से उस दरवाजे का मकसद फिक्स हो जाता है कि ये इंडिकेट कर देता है कि वही दरवाजा खुलना है, इसीलिए इसके पहले द लगाया गया है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अनुसार पहले वर्ब का पहला रूप ओपन यूज किए, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट यानी कि था जो कि हम यूज
कर दिया द डोर, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंसेस हमारा बन गया ओपन द डोर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे जैसे हम ले सकते हैं कि एक गिलास पानी लाओ। तो अगर इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो यही वाला स्ट्रक्चर हम यूजेस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला है लव। लव का पहले क्या हो जाएगा, ब्रिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लाओ, तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि पानी का एक गिलास लाओ, यानी कि एक गिलास पानी लाओ, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। यदि इसी को अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो निगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा पहले डू, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। यहाँ पे डू नॉट को कभी कभी शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में डोंट का भी यूज किया जाता है, और डोंट का यूज करने पर यहाँ पे हो जाएगा डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे कि और लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जैसे कि हम अफर्मेटिव में बोले दरवाजा खोलो, यदि हमको इसी को निगेटिव में बनाना हो तो निगेटिव बन जाएगा कि दरवाजा मत खोलो। तो यहाँ पे रूल को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले डू नॉट, यानी कि डू नॉट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा ओपन, फिर द, फिर डोर। अगर इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो यहां पे हो जाएगा डोंट ओपन द डोर। नेक्स्ट है, यदि हमको इसी सेंटेंस को एक रिक्वेस्ट के साथ बोलना है तो रिक्वेस्ट के लिए हम अफर्मेटिव के पहले, यानी कि अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है इसके पहले प्लीज या काइंडली शब्दों का यूसेज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यदि हमको रिक्वेस्ट के साथ बोलना है तो इसी सेंटेंस को बोलेंगे कि कृपया दरवाजा खोलो, तो यहां पे हो जाएगा प्लीज ओपन द डोर, ठीक है। अगर ज्यादा हमको काइंडली दिखाना है, दयालुता दिखाना है, तो उस स्थिति में हम काइंडली का यूज करेंगे और प्लीज का जनरली हम यूज करते हैं। तो यदि हमको बोलना हो कि कृपया एक रुपया दो, तो यहां पे हो जाएगा कि ग्रांट मी, यानी कि काइंडली ग्रांट मी वन रुपी। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसानी से सीख पाए कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई सा भी ट्रांसलेट कैसे बना पाएंगे, जैसे कि अफर्मेटिव में, निगेटिव में, या फिर रिक्वेस्ट के तौर पे अगर बनाना हो तो वहां पे प्लीज या कैंडी शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज जो है यहीं पे हम ये वीडियो समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बनाने वाले हैं वो सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि वर्ड्स को भी 8 भागों में बांटा गया है, जिसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, जो कि नाउन प्रोनाउन के लेकर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नाउन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो कुछ ज्यादा वक्त न लेते हुए यहीं पे समाप्त करता हूँ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें।